रास्ता हो गया। हम अभी जा रहे हैं ग्लेशियर, और ग्लेशियर बोले तो हम पहले से ग्लेशियर ही जा रहे हैं, बट अभी फिलहाल हम रुके थे नाश्ता करने, आगे जा रहे हैं ग्लेशियर की तरफ। तो कोई अखिल भैया उल्टा घोड़ा राइडिंग करने वाले, उल्टा घोड़ा राइड कर रहे हैं। और क्या दिखा रहे हैं ये, क्या दिखा रहे हैं अखिल भैया, दिखाना क्या चाहते हो? चलो ये आपकी मानेगा क्या? बस तो व्यू गाइस। हाँ किनका? सो दिस इज सोनमर्ग। क्या 600? क्या बात, चलो ठीक, बढ़िया है ना। सो हमारे अखिल भैया हमें लीड करते हुए, अखिल भैया का पूरा हाथ बढ़ गया घोड़े पे, वो खुद ही चला रहे, उनको ज़रूरत नहीं किसी के सपोर्ट की। और ये ग्लेशियर है, ताजिस्वान ग्लेशियर, जहाँ पे अक्सर घोड़े वाले लेके जाते हैं, बट हम हमारी ट्रैकिंग थोड़ा दूर तक जा रही है। वो जो उधर ग्लेशियर दिख रहा है वहाँ तक हमारा ट्रैक है, और ये हमारे दोनों ट्रेकर, सीधा चलो, हाँ सीधा चलो, दोनों ट्रेकर साथ में आते हुए। अखिल भाई जब हाथ नहीं दिखाते, जब वीडियो ले रहा दिखा रहे क्या? वो काफी मजा आ रही है, कमर की तो वाट लगने वाली है, बट फिर भी ग्लेशियर देखो गाइस, ग्लेशियर। वो ये जितना भी पानी बहते हुए आ रहा है वो सारा ग्लेशियर का है। पे हमारे जीजू का घोड़ा स्लिप हो गया था, जीजू गिर गए थे लगभग, जीजू गिर ही गए थे। गलती करते जाते आगे,
क्यों ऐसी चल रहा तू चलता नहीं तू वन सेकेंड काय झालं भाजी फोन चेनच्या पकड मध्ये ठेवायचं इज अ मड आईज दिस इज अ मड आईज गाइज ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं मेरे पिछले ब्लॉग्स में मेरे पिछले ट्रिप में वो देखिए आपको वहाँ पे दिखेगा आइस कॉर्नर पे ये पूरा मड आइस है इस पर अगर ज़्यादा प्रेशर आ गया तो ये टूट भी सकता है
सो गाइस, लगभग हम पहुंच गए 400-500 मीटर दूर हमसे थाजीवास ग्लेशियर है। एक्चुअली हम हमारे कैंप से बहुत भयंकर दूर है। लुक एट दैट, आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा, बट उस कोने पे हमारा कैंप है। और यहाँ पे मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। फिर गाइस, तुम्हें ट्रेकिंग का शौक़ है तो तुमने अपने साथ एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर लाना है। मैंने वो गलती किया, नहीं लाया हो तो ट्रैकिंग के इसेंशियल्स में ऑक्सी सिलेंडर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ट्रैकिंग इसेंशियल्स के एपिसोड में पूरी इसेंशियल चीज़ें बता दूंगा। गाइज, फिलहाल थोड़ी साथ देना छोड़ रही है, बट यार इंडियन हमें कभी हार नहीं मानी गाइज। आज मानेंगे ग्लेशियर पे, बर्फ हम लगाएंगे जरूर, हमें तुम खेलेंगे जरूर, हमें बर्फ तो देखना ही है। इतना दूर आया हूँ मैं, यहाँ से हार मान के वापस जाने तुम्हें। मेरे व्यूअर्स में जितने भी लोग मुझे पहचानते हैं सब जानते हैं मैंने आज तक कोई चीज़ अधूरी नहीं छोड़ी है। अगर मैंने ठान लिया कुछ करना तो वो करके दिखा रहा है। स्नो तक मैं पहुँच के दिखाऊंगा और तुम्हें मेरे कंटेंट में उस स्नो के साथ मैं खेलते हुए जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि ये मैंने ठान लिया है। बाय द वे, आई एम अ डॉक्टर। अगर मैं डर गया ऑक्सीजन की कमी से तो गाइस लोगों कैसे बचाऊंगा। इस वक्त थोड़ा रेस्ट लो, लंबी सांस लो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके सांसों को अपने रिलैक्स करने का कोशिश करो, फिर आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होगी तो फिर से चढ़ने की कोशिश करो। गाइस, ट्रैकिंग कोई आसान और मजाक वाली बात नहीं है। सो मैं तो रिलैक्स हुई हूँ, मैं आगे ग्लेशियर में पहुँच के आपको कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे सेलफोन का बैटरी ड्रेन हो चुका है, अबाउट 10% पे आ चुका है, और मुझे वहाँ जाके आपको वीडियो दिखाना है। सो फिलहाल मैं कट कर रहा हूँ, फिर से ग्लेशियर के सामने। गाइस, बोला था अनूप गाठी बांधे कभी मंजिल अधूरी नहीं छोड़ता। जो दोस्त भूल गए थे उन्हें भी याद दिला दूँ, ये हमारी मंजिल है ना। आखिर मंजिल पे आज मैं लेट ही सही, अपनी मंजिल पे लेट ही सही पहुँचो, बट पहुँचना ज़रूरी है गाइज। मंजिल को अधूरा छोड़ने वाले कमज़ोर होते हैं, कायर होते हैं, जिनमें मैं नहीं आता। और गाइज, ये किसी के लिए मोटिवेशनल हो या ना हो, बट लाइफ में अगर कोई एम हो उसे कभी अधूरा मत छोड़ना। लेट ही सही बट पूरा ज़रूर करना गाइज। होप कुछ चीज़ें आपको लाइफ में बहुत हेल्प करें मेरी। होप इस टूर के कुछ सजेशंस आपके टूर में बहुत हेल्प करें। कोई भी ग्लेशियर के पास अगर जाते हो तो गाइज अपने पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखो, इन इमरजेंसी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं एथलीट पर्सनैलिटी का होने की वजह से मेरे बॉडी का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उतना नहीं है, तो मुझे उस चीज़ की रिक्वायरमेंट उतनी पड़ी नहीं है। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, दिस इज थाजीवास ग्लेशियर, फाइनली वी आर एट द टॉप। ये है वो ग्लेशियर जहाँ मैं पहुँचना था, और यहाँ पे जो आपको वाइट ग्लेशियर दिख रहा है ये फ्रेश ग्लेशियर है, जो अभी अभी आज या कल में बना हुआ है। हमारे भाई साहब दिखे आपको, अखिल भाई साहब, फिलहाल ऊपर मैं टॉप में, मैं आपको व्यू दिखा दूँ, बर्फ दिखा दूँ कैसी है।
अरे गिरगिरा जाओगे। सही है भाई, मौज कर दे बेटे, मौज कर दी बेटे, मौज कर दी। सही है, बर्फ के मजे आराम से। ये बर्फ के नीचे की लेयर होती है जहाँ से पानी रिज रिज के ये नदी बनती है। ये पानी पूरा कलेक्ट होके आपको आगे में नदी बन के मिलेगी जिसके बगल से हम आए। और ये देखिए बर्फ, और ये पूरा बर्फ का लेयर बना हुआ है और इसी को हम ग्लेशियर कहते हैं। ये जो है ये मड आइस बोलते हैं इसको, इसको अपन मड आइस बोलेंगे। इसके ऊपर जाओगे तो वो जो मिलेगा ये जो है ये वाला, इसे फ्रेश आइस कहा जाएगा, फ्रेश ग्लेशियर, क्योंकि वो वाइट है और अभी अभी बना हुआ है। उसी के साथ में वो भी फ्रेश आइस है। तो गाइस ये आइस है, ये बस मैं बोल रहा हूँ इसीलिए नहीं गाइस। वो देखिए बर्फ, यह है बर्फ। ये बर्फ पूरी सख्त हो चुकी है और हम इस बर्फ पे खड़े हैं। इस बर्फ में खड़े रहने का यही एक तरीका है, अगर आप सीधे खड़े रहते हो तो हो सकता है तुम्हारा पैर स्लिप हो जाए और तुम स्लिप होके सीधा नीचे, सीधा नीचे की ओर जा सकते हो। गाइस दिस इज जिसके लिए मैं गाइस वहां से आया हूँ, वहां से फिर से हमें वही जाना है। सो गाइस आई एम गोइंग बैक, दिस इज ग्लेशियर राजस्थान। वो खूबसूरती है इस बर्फ में, खूबसूरती है इस बर्फीली घाटी में, खूबसूरती है वादियों में। वो नदी भी खूबसूरत है, ये बर्फ भी खूबसूरत है, वो पत्थर भी खूबसूरत है और ये पहाड़ियाँ भी खूबसूरत है। गाइस वी आर गोइंग बैक। सो हमें अब नीचे जाके खाना खाना है क्योंकि हम सुबह बिना खाना खाए निकले थे। तो अभी इस बर्फ को मैं पीछे फेंक के आगे निकलता हूँ। गाइस वो लाइन सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये मेरे लाइफ के कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपसे शेयर की। कभी हार नहीं मानना, कभी बैटरी बहुत लो है, शायद ही मैं आपको कंटिन्यू रिवर्स वीडियो दिखा पाऊँगा रिटर्न जाते वक्त। जितना होता है उतना ही टाइम लैप्स है, कुछ ज़्यादा टाइम देगा नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस इतना ही चाहिए। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी अगर घंटी वाली ऑप्शन में ऑल कर दोगे क्लिक करके तो सारी नोटिफिकेशन आएगी, आगे के सारे ब्लॉग्स आपको नोटिफिकेशन में आ जाएंगे, सबसे पहले देखेंगे। और गाइज आगे तो और भी मज़ा है, लेह लद्दाख बाकी है बॉस, मनाली शिमला बाकी है, अगर हुआ तो उत्तराखंड बाकी है, दिल्ली और आगरा भी बाकी है। दिल्ली बहुत दूर है मेरे को दोस्त, सो स्टे ट्यून्ड, विल जॉइन यू लेटर। सो मस्ती वाले गिर रहा था, गिर गया था बॉस, गिर गया था। यहाँ पे बहुत ही पतला आइस है, अभी स्लीप हो गया, गिर गया था। चलो गाइज बाकी लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मैं चली जाता हूँ, उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं। फिर भी एक बार ये एक स्नो देख लो। लाइफ टाइम याद रहेगी, लाइफ टाइम। लास्ट ट्रिक में हमने ये, लास्ट ट्रिप में हमने ये छोड़ लिया था इस बार। सो सी यू गाइस, मेरा पैर लिटरली बर्फ में धंस गया है, मैं कर दी इसको। ओह फिश, ओह ओह फिश, देखिए बर्फ। किसी को झूठ लग रहा है ये बर्फ नहीं है तो फिर ये क्या हो सकता है गाइस, ये क्या हो सकता है, जस्ट कोई बता दो फिर, अगर ये बर्फ नहीं रखे। आ जाओ, दो दिन अस्पताल में रहूंगा, खाऊंगा।
साला गाड़ी पे लगा भी नहीं सकता। चलो फाइनली आई एम गोइंग विद द स्नो। बाय बाय गाइस। सो गाइस मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ, साथ वाले सभी, वैसे तो जीचू और दीदी आए नहीं थे, बट अखिल भाई भी बीच में से नहीं बट निकल गया है वो जल्दी जल्दी, तो मैं यहाँ पे अकेला हूँ। और मुझे क्यों बट बेयर गिल्स वाला फीलिंग आ रहा है। सो तो भाई अभी बस मुझे यहाँ कोई भेड़ मिल जाए मैं उसे काटता हूँ और यहाँ पे आग जलाता हूँ। टेंट नहीं लाया मैंने साथ में, टेंट का यहाँ पे प्लान नहीं था, और आग जला के भेड़ पका के खाता हूँ और तुम्हें ट्रैकिंग दिखाता हूँ। सो गाइस अभी अभी पत्थर उछल के मेरे पैर पे लगा हुआ है। किसी भी पहाड़ को चढ़ना जितना आसान होता है गाइस, उतना ही परेशान वहाँ से उतरने का रास्ता करता है। पत्थर देखो कितने नुकीले हैं, इन नुकीले पत्थरों में से मैं जा रहा हूँ, एक अभी नुकीला पत्थर मेरे पैर पे उछल के लग गया मेरे ही पैरों से। तो गाइस अभी मेरे एक टीक की बैटरी 5% पे आ चुकी है और शायद मैं ना फोटो ले पाऊँगा 5 या 2% पे, मैंने परसेंट देखा नहीं है, शायद मैं अपना फ़ोटो ले पाऊँगा ना वीडियोज। तो गाइस अगर मैं यहाँ से ज़िंदा बचता हूँ, बचूँगा यार क्यों नहीं बचूँगा, सॉरी भाई बचूँगा ज़रूर, तो नेक्स्ट एपिसोड में अपन ज़रूर मिलेंगे जिसमें हम खाने वाले हैं। गेस कीजिए नेक्स्ट एपिसोड में, बताना अभी बता दूंगा तो सरप्राइज़ क्या रहेगा। तो काफ़ी डिलीशियस सा आइटम हम खाने वाले हैं और आज तो टेंटिंग का प्लान चल रहा है, टेंट करने का, कैंप करने का, सो उसी में बोन फायर वगैरह हम करेंगे, कोशिश है हमारी। अब देखते अगर बोन फायर हुआ, कैंप होता है, तो भाई आप सभी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ अभी के अभी, बट जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक शायद हमारे बोन फायर की फायर बुझ भी जाए। बट गाइज एनी हाउ आप बस कांटेक्ट करो सेम नेम से, इंस्टा पे सर्च कीजिए, मेरा प्रोफाइल आ जाएगा, वहाँ से आपको कांटेक्ट मिल जाएगा। मैं फ़िलहाल इतनी तो कैपेसिटी में हूँ कि मैं किसी का टूर आसानी से और बेहतरीन सा अरेंज करवा के दूँ। सो अगर किसी को प्लान करवाना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी गाइज, दिल में हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक, शायद मेरे यूट्यूब के प्रोफाइल में ही हो। सो फिलहाल मैं ये एपिसोड ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ना बैटरी है मोबाइल में और शायद मेरी भी ख़त्म हो चुकी है। गाइज मैं सिर्फ पत्थरों से इधर से उधर उछल रहा हूँ लिटरली, जिसमें मेरे एक पैर में अभी चोट भी लग चुकी है, तो अभी हम अकेले हैं तो कुछ कर भी नहीं सकते, पूरा रास्ता ज़िंदगी में अकेले ही निकालना पड़ता है। सो अखिल भैया मुझे छोड़ के नहीं गए, पर जीजू और दीदी वहाँ अकेले बैठे थे तो उन्होंने ज़्यादा जाना ज़्यादा बेहतर समझा, तो तकलीफ़ नहीं है गाइस, मैं इतना छोटा नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे घूम जाऊँ या गुम हो जाऊँ, तो वो कहते मुझे कोई उससे आपत्ति बिल्कुल, मैं जस्ट आपको मोटिवेट कर रहा हूँ लाइफ में कभी हार नहीं मानना, पर अगर आपको कुछ निगेटिव लगता है तो उसे आप स्किप कर दो और आगे बढ़ो, आपके लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है गाइस, बहुत कुछ। ओ फिश पैर तिरछा गिर गया है पत्थर पे स्लिप होके। तो दुनिया में करने जैसा बहुत कुछ है गाइस, बहुत कुछ, और वो लाइफ बेहतरीन सी है। मैं तो फिलहाल सिर्फ इंडिया में हूँ और सिर्फ शिमला कुल्लू मनाली घूम रहा हूँ गाइस, मेरा एम बहुत बड़ा है, मैं आप सबको पूरी दुनिया दिखाना चाहता हूँ और जल्द ही दिखाऊंगा भी, बस आपका सपोर्ट हो तो चाहत बढ़ेगी, चाहत अगर बढ़ेगी कुछ करने की तो सब होगा। गाइज स्टे ट्यून्ड, सी यू लेटर। गाइज वी आर गोइंग बैक, हमने गिम्बल हमारे बैग में रख दिए है, फिलहाल हम हमारे घोड़े पे सोलली जा रहे हैं।
और हमें बहुत ही ज़्यादा दूर जाना है अभी, शायद हमें अंधेरा हो जाएगा रिटर्न जाते जाते, तो हम कोशिश करें जल्द से जल्द पहुंचने की। सो ये हम नदी क्रॉस करते हुए, ये हमारा घोड़ा हमें नदी क्रॉस कराते हुए, वही चलना भाई उसके पीछे पीछे। वैसे सीख तो गया हूँ मैं इसे कंट्रोल करना, पर मुझे इसे कंट्रोल नहीं करना है गाइस, ये खुद से ही चले तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मेरी हेल्प कर रहा है मुझे घर पहुंचाने में। सो आई वॉन्ट हिम नॉट टू टीज, नॉट टू टीज, क्योंकि वो भी मेरी हेल्प ही कर रहा है ना गाइस। सो ये